अरे ये क्या है? एक समुद्री दानव, वो हमारी मछलियां खाना चाहता है। खा लो, सब खा लो। अच्छी खासी है ना? जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे मॉम। चॉम के जितना तो शायद कोई भी डॉगी नहीं खाता। यही हाल रहा तो हमें ट्रक में इसका खाना मंगवाना पड़ेगा। बड़े होने पर तो ट्रेन में मंगवाना पड़ेगा। तो क्या ये अभी और बड़ा होगा? कितना होगा? मैक्स तो मजाक कर रहा था आंटी। अच्छा फिर ठीक है। रुको मैं इस बुक्कड़ के लिए कुछ और ले आती हूँ। एक डायनासोर। ट्रम्प ईस्ट, चलो यहाँ से। ओ, लगता है खाना खाकर पचाने गए हैं। देख रही हो, वो मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास है। कहीं वो इटली में तो नहीं? नहीं, उसके करीब ही मोनाको में, दुनिया के दूसरे सबसे छोटे देश में। मालूम है, और ये भी मालूम है कि दुनिया का सबसे छोटा देश रोड आइलैंड है। रोड आइलैंड देश नहीं है डैड। चलो दोस्तों चलते हैं। हाँ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। मगर जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक हम लौट आएंगे। ठीक है, मगर तुम वहाँ से मेरे लिए एक सोविनियर कॉफी कप ले आओगे? उसके मुझे एक नया डायनासोर कार्ड कैसे रहेगा डैड? अच्छा। बहुत गर्मी है अर्सला। मालूम है, अगर एक ठंडा ठंडा लेमोनेड ले आओ तो मजा आ जाएगा एड। अरे पर लाओ तो कैसे लाओ? खरीद कर लाओ। कहाँ से? सारा पैसा तो तुमने उस रॉयल फैमिली की नीलामी में फूंक दिया। तुमने तो हमारे प्लेन टिकट भी बेच दिए हैं। तुम तो हमारा अल्फा होल्डर भी बेचने जा रहे थे मगर किसी ने खरीदा ही ना है। उसके बाद तो तुमने हद ही कर दी, हमारे कपड़े तक बेच डाले, और वो भी किस लिए? एक चश्मे के लिए जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए बना है। मैं यहाँ से कुछ लिए बिना नहीं जाने वाली। हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे हैं और तुम चश्मा लगा के स्टाइल मार रही हो। हे, ये असली चश्मा है शाही खानदान का, और तुम तो चट्टी में भी अच्छे लग रहे हो। सुन लो, ध्यान से सुन लो, लोग हम पे हंस रहे हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? डायनासोर, वो हमारे आसपास ही है। क्या कह रहे हो, डॉक्टर सी सही थे? उन्होंने कहा था कि वो यही नजर आएंगे। देखा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। मेरी वजह से ही वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ से डायनासोर को वो पकड़ सके। ज़ेंडर और एज, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं सर? आप बताइए ना करना क्या है। कहीं तुमने अपने कपड़े बेच तो नहीं दिए? या आप लोग बिना कपड़े पहने ही घर से निकल गए थे? ये बात नहीं है लौरा, हम अंडर कवर है इसलिए ये पहना है ताकि कोई पहचान नहीं पाए। तुम्हें पहचानता कौन है? कपड़ों को छोड़ो, हमें डायनासोर को पकड़ना है। हाँ चलो काम पर लग जाओ। लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे? नहीं, इतना ही काफी है कि बताओ की बताई जगह पर पहुँच गए हैं। अगर इस बार उन्होंने कोई
कोई गलती की ना तो ये भी भूल जाएंगे कि वो कभी अल्फा गैंग में। मैं तो इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता, इसमें कोई साइंस ही नहीं है। नहीं कर सकता। क्या हुआ दादू? अब मैं ये पता लगाने वाला हूँ कि वो तीन तिलंगे कामयाब होंगे या नहीं। मुझे शुरू हो गए। अब मैं डायनो बोन से पूछता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हटी हटी तू ये बोल, मेरी टीम की कामयाबी के राज तू खोल। अय्या चलो अब हम यहाँ से चलते हैं और डायनासोर की तलाश करते हैं। चलो। तुम नहीं चल रही क्या? क्यों, मैं क्यों आऊँ? तुम्हें नहीं लगता मुझे यहाँ की खूबसूरती देखनी चाहिए? तुम यहाँ छुट्टी मनाना नहीं आयो? पानी और टैंक को ले जाओ, वो सारा काम कर देंगे। तुम्हें लगता है कि हम ये काम ऐसी हालत में कर पाएंगे? देखो हमें तुम्हारी और टेरी की जरूरत पड़ सकती है, हम नहीं जानते वो डायनासोर किस किस्म का है। अब चलो भाव मत खाओ। क्या मुसीबत है, ये तो कुछ भी नहीं समझते। वो शायद यहीं पर नजर आया था। मोनाको के बारे में मैंने यही पढ़ा है कि ये सिर्फ एक रिजॉर्ट ही नहीं बल्कि यहाँ ट्रॉपिकल वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और मरीन म्यूजियम्स भी है और मशहूर एक्वेरियम भी है। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ दुनिया भर के सेलिब्रिटीज छुट्टी मनाने आते हैं। हाँ शायद हमें कोई दिख जाए। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कार रेस के लिए भी फेमस जगह है। उसे नहीं छोड़ेंगे, चलो जल्दी। आप किसे नहीं छोड़ेंगे? समंदर से एक दानव निकला है, हम उसे खत्म करेंगे वरना वो हम सबको खा जाएगा। कहीं वो दानव डायनासोर जैसा तो नहीं? हाँ वो है तो वैसा ही, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम उसे पकड़ने आए हैं। पर तुम उसे कैसे पकड़ पाओगे, वो बहुत बड़ा है। और ये क्या है तुम्हारे साथ? ये तो हमारे डॉगी है। हमें गधा समझा है क्या? आप ठीक तो है ना? उस दानव ने फिर से हमला कर दिया है। पर वो इस वक्त है कहाँ? वो हमारी सारी मछलियाँ खा गया और फिर समंदर के अंदर चला गया, मगर फिर से आएगा, हमें अब शहर से जाना होगा। आप घबराइए मत, हम उसे पकड़ लेंगे। एस क्या कर रहे हो? ये भी उसके जैसा ही है, बस उससे छोटा है। तुम उसे पकड़ने की बात कर रहे हो और खुद डायनासोर लेकर घूम रहे हो। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मामला गड़बड़ है। हम मदद करने आए हैं। अब तुम कहीं नहीं जाओगे और भागने की कोशिश भी नहीं करना। आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उसके बारे में बाद में पूछ लेंगे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप डी लैब से पता लगा लीजिए ना। ये क्या है, ये कौन सी लैब है जो बच्चों को डायनासोर पकड़ने भेजती है? कुछ तो गड़बड़ है। लो कर लो बात, वो बिद्दी तो हमसे पहले पहुंच गए। क्या फर्क पड़ता है, पहले आए हैं तो पहले बंद भी हुए। वो डायनासोर सिर्फ हमारे हैं, चलो जल्दी चलो। क्यों हमारी बैंड बजा रही हो अर्सुला? बीच पर तो कैसे तैसे संभाल लिया, पर शहर में बिना कपड़ों के घूमना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अपने कपड़ों को भूल जाओ। सुनिए अंकल, हमें छोड़ दीजिए। हम सच में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे डायनासोर कहाँ हैं? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एस को मछली खाने की जल्दी थी। उसकी गलती नहीं है, बेचारा डॉग फूड खाकर परेशान हो गया है। बातें बाद में करना, अगर हमने उस डायनासोर को जल्दी नहीं पकड़ा तो ये शहर नहीं बचेगा। हाँ अगर हमें अपने डायनो होल्डर्स वापस मिल जाए तो हम कुछ कर भी सकते हैं। हाँ पर यहाँ से बाहर कैसे निकले? डायनासोर तो स्पाइनोसॉरस जैसा दिख रहा है, लेकिन ये डायनासोर थोड़ा छोटा लग रहा है। ये शायद सुकोमाइमस है। सुकोमाइमस? हाँ सुकोमाइमस की खोज अफ्रीका में हुई थी, वो नॉन वेजिटेरियन था और मछली ही खाता था, इसलिए वो यहाँ भी आ सकता है। जब हम उस डायनासोर को पकड़ लेंगे तभी ये लोग हमारी बात मानेंगे। दोस्तों वो आंटी भी यही है। मैंने कितनी बार इन्हें मना किया है पर ये मानते ही नहीं, आज मैं इन्हें नानी याद दिला दूंगी। अब क्या हुआ, किससे पंगा ले रही हो अर्सुला? कुछ नहीं बस ऐसे ही सोच रही थी। वो मछुआरे अब भी यही है क्या? चलो देखते हैं। सुनिए अंकल, हमें ऐसे निकाल दीजिए, हम उस दानों को पहचान गए हैं। चुप रहो। ए मैक्स, तुम्हें वो डायनासोर मिला या नहीं? मैं मैक्स नहीं हूँ और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, पहले ये बताओ तुम कौन हो? सुना तुमने? मेरी समझ में कुछ नहीं आया, एक बार फिर से बताओगे क्या? हाँ अभी बताता हूँ, मैं हूँ डी लैब का मशहूर डॉक्टर स्पाइक टेलर। क्या बेचते हो? तुम ये बताओगे कि मेरा बेटा मैक्स और उसके दोस्त कहाँ हैं? सुनिए अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ओ मुझे गलती हो गई। कोई इस टीवी पर खुद को तुम्हारा डैड कह रहा है, बात करो।
डैड, वो एक सुकुमाइमस है। जो भी है उसे जल्दी पकड़ो। उसके लिए तुम्हें इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि तुम अपने कार्ड से क्या कर सकते हो, तभी ये तुम्हारा यकीन करेंगे। सच्ची? हाँ, इन्हें दिखा दो बेटे। ठीक है। आपको वो दानव एक सुकुमाइमस है और हम उसे इससे पकड़ेंगे। डायनो स्मैश! ट्राइसेराटॉप्स, हमला करो! मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अब तो यकीन हो गया ना, बोलो क्या कहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इन बच्चों को अपना काम करने दो। तो हम इन्हें छोड़ दें? हाँ? ये भले ही उसे पकड़ ले, मगर इनके डायनासोर का शहर में घूमना सही नहीं है। इनमें से एक को छोड़ देते हैं। थैंक यू अंकल, मैं जाता हूँ। पर तुम ही क्यों? क्योंकि मैं और चंप उससे निपट लेंगे। इस और मैं ज्यादा अच्छा करेंगे। नहीं नहीं, सॉरी मैक्स, मगर अभी रेक्स को ही जाना चाहिए। तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि वो डायनासोर काफी तेज भागता है और सिर्फ एस ही इतना तेज है कि उसका मुकाबला कर सके। शायद सही कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो रेक्स। घबराओ मत, उसे पकड़ कर अभी लाता हूँ। अपना और एस का ध्यान रखना, बाय। ये भी कोई कहने की बात है क्या? हम इस एक्वेरियम में क्या कर रहे हैं एड? वो डायनासोर आखिरी बार यही कहीं पर दिखाई दिया था। क्राइम मास्टर जैंडर को पैदा होते समय भी इतनी शर्म नहीं आई थी। तो अब देर मत करो और उस डायनासोर का पता लगाओ। लगा लिया, उसने हमारा पता लगा लिया। चलो, अच्छा ही हुआ कि हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर यहाँ आए हैं। किस्मत से। मुझे नहीं लगता कि डायनासोर को ऐसे ललचाना सही है। रेक्स उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएगा ना? मुझे लग रहा है मुझे ही जाना चाहिए था। अरे यार, उसे भी कभी क्रेडिट दे दिया करो। ठीक है, पर तुम इसको जानती हो ना, माना कि मछली से डायनासोर को ललचाने वाला हमारा प्लान काम कर जाए, पर डर है कि ऐसी सारी मछलियाँ ना खा जाए। रेक्स संभाल लेगा, एस समझदार भी है। अरे कहाँ चला गया? ये मछली का चारा तो काम कर रहा है। हाँ, मगर आप ये ट्रक रोकेंगे प्लीज? दिमाग खराब है क्या? नहीं, आप प्लीज मेरी बात मानिए, जल्दी से इसे रोक दीजिए। अब हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। डायनो स्लैश! कार्नोटॉरस हल्ला बोल! लड़ाई का मैदान, मतलब रेक्स ने उसे ढूंढ लिया है। गाइस गो! ये फिर आ गए। सिर्फ आए नहीं, उन्होंने तो अपना डायनासोर भी भेज दिया। तो ठीक है, हम भी अपना भेज देते हैं। स्पाइने, उन डायनासोर का पीछा करो और उन्हें खत्म कर दो। Bye.
मैं जानता था कि ये सही नहीं है। अब मैं डायनासोर की ग्रैंड प्रिक्स में फंसा हूँ और जो जीतेगा वो इनाम में मुझे ही खाएगा। शाबाश, वो बच नहीं पाएगा। तुम अच्छा कर रहे हो। घबराना मत एस। लगता है स्पाइनी की हवा निकल रही है। तो जल्दी से हवा भरो ना। देखो वो शॉर्टकट से जा रहा है। आओ। अरे मगर ये तो सरासर चीटिंग है। चुप रहो, जब पकड़ा जाएगा तब चीटिंग होगी। शाबाश एस। बहुत खूब। हाँ, संभल कर एस। दौड़कर इतना थक गए हो कि अब इससे लड़ोगे कैसे? नहीं, चलो एस, हम दोनों मिलकर ये खेल खत्म कर देते हैं। तुमने कमाल कर दिया। अब हमारे पास एक और डायनासोर कार्ड है। अंकल अब मछली पकड़ने जा सकते हैं। अब सच सच बताओ, तुम लोग डायनासोर हंटर्स हो ना बच्चों? नहीं, हम डायनासोर हंटर्स नहीं हैं। क्या? हम तो डायनासोर के दोस्त हैं। अच्छा, जो भी हो तुम लोग बड़े बहादुर हो। अब तो स्पाइनी का सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। अजीब बात है, वो आखिर गायब कहाँ हो गया? स्पाइनी का कार्ड बह रहा है। बहुत खूब रेक्स, मैं जानता था कि तुम और एस उस डायनासोर को जरूर पकड़ लोगे। सचमुच मैक्स, मगर तुम तो कुछ और ही कह रहे थे। इनके जाने के बाद तुम तो कह रहे थे कि एस ही मछलियों वाला सारा चारा खा जाएगा। क्या उससे ही है ना? तुम कभी मेरा साथ नहीं दे सकती हो क्या? अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं। मतलब है कि हमने कर दिखाया। माफ करना, हमने तुम पर शक किया था। उसके बदले हम तुम्हारे डॉगीज को पेट भर के मछली खाने की छूट दे रहे हैं। मगर चोंप और पेरिस तो वेजिटेरियन है। कोई बात नहीं, एस तो मौके का फायदा उठा सकता है। तुम लोग फिर एक बार नाकाम रहे हो। तुमने सिर्फ डायनासोर कार्ड ही नहीं खोया है बल्कि अल्फा गैंग को चड्डी में घूमने वाला जोकर भी बना दिया है। इसकी सजा मिलेगी। अब मैं तुम्हें रिटर्न टिकट नहीं देने वाला। क्यों? पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और इस हाल में हमें कहीं काम भी नहीं मिलेगा। जी, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तो तुम्हारा दिमाग हिल गया है। अब तो तुम खाना भी नहीं खाओगे। अफसोस, मैंने तुम्हारे पसंद के टंगड़ी कबाब बनाए थे।
रुको, सुनो, मुझे खाना खाना है। आओ आओ आओ, भीड़ लगाओ, खाने का मजा उठाओ। कीमत कम है, खाना अच्छा खाए बड़े बूढ़े और बच्चा। आओ आओ, मजेदार चटपटे कौन का मजा लो, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अगर इसी तरह से दुकान चलती रही तो कल तक टिकट के पैसे जमा हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अपनी इज्जत ढकने के लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। मगर पहले हम पार्टी में जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे चश्मे की फोटो हर अखबार की पेशतरी में छपे। नहीं, वो तो ठीक है, पर लोगों से तारीफ सुन सुन के तुम्हारे कान तो नहीं जल जाएंगे? नहीं तो तुम्हारे कान जल रहे हैं। क्या कान नहीं, कौन जल रहे कौन दे रही हूँ या नहीं? देखो कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। वो तो मैं नहीं आती हूँ, मगर मैं आई तो तुम्हारे। Fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny. Yeah.